शरीर का मरना मौत नहीं होता, जमीर का मरना मौत होता है। और किसका जमीर कब जग जाए कोई नहीं कह सकता, जमीर कभी भी जग सकता है। जब बंदे का जमीर जगता है ना तो खुलासे बहुत बड़े बड़े करता है। जो ये फेंक एनकाउंटर किए जाते हैं, ये किए जाते हैं, खुद करने वाला ही जब खुलासे करता है ना तब पता लगता है कि इसमें शामिल कौन कौन है। सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार, ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, इसके ऊपर बात हक और सच की जाएगी। हक और सच की बात, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी, आप तक सच्चाई रखने की जिम्मेवारी हमारी है। ध्यान से सुन लेना, एक एक बात को बिल्कुल तसल्ली से सुनना, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, तसल्ली से सुनना। उससे पहले ना आपको एक जरूरी सूचना दे देते हैं, 31 तारीख से पहले जो अपना पैन कार्ड है ना उसको लिंक करवा लो आधार कार्ड से। अभी 1100 रुपये लग रहे, फिर 10000 रुपये जुर्माना, फिर 25000 रुपये जुर्माना, जुर्माना भी लगा अगर फिर भी करवाना पड़ेगा। ये सबको पता है कि तानाशाही में सब करवाना पड़ता है, वो तो करवाना पड़ेगा। उससे पहले एक चीज़ बताओ भाई, जो भी ये चल रहा है अपने देश में, कितने सियाणे बैठे हैं जो कि भविष्य की बता देते हैं, तेरे साथ ये होगा, फलाने ने ये किया है, उसने ये किया है। उन्होंने अभी तक क्यों नहीं बताया कि जो भी भाग्या हुआ है वो कहाँ पे है? क्योंकि कई बार हम टीवी पे देखते होंगे ना, आप पुलिस वालों को बताया, उस सियाणे के पीछे रहते हैं पुलिस वाले, कितने सियाणे हैं, इन सारे सियाणा ने इकट्ठे करो और पूछो। आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई थी केस की। जज ने, जो अमृतपाल का वकील है, उससे बोला कि आप बोल रहे हो कि पुलिस के पास है अमृतपाल, तो बताइए किस थाने में है ताकि हम इंक्वायरी करवा सकें। फिर पुलिस से पूछा कि बताओ अमृतपाल कहाँ है, बोला कहीं भी है उसके हम बहुत नज़दीक हैं, जल्दी ही पकड़ लेंगे। इतने दिन लगा दिए, 18 तारीख से इतनी तारीख होगी आज, 23 तारीख 24 तारीख निकलती जा रही हैं, अभी तक किसी सियाणे से क्यों नहीं पूछा वो कहाँ पे है? सियाणा तो एक मिनट में बता देता, बता सकता था ना। ये सियाणे के ही बताते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, जिसकी समझ में आ जाए शेयर जरूर करना। एक अपना हरियाणा में ना एक ताऊ की फसल खराब होगी भाई, फसल भी खराब हो गई, मैच भी दूध देने तना अटकी। वो उसने सोची भाई टुकर गुजारा होगा, चल सियाणे दौर पूछ का ये कि इलाज हो सके है, सियाणे दौर चले आएगा। सियाणे तो ये कह दिए कि मैं घर का इलाज बता, फसल सारी खराब होगी, बारिश में रोले पड़ गए और मैच दूध देने तना अटकी, बालक भूखे मरेंगे। न बोला ठीक है इलाज बता दूंगा, अपने घर की माटी ले आइए। श्याम सोची बताऊ ना, ठीक है भाई। अगले दिन आया ताऊ, माटी दे दी सियाणे ताई। सियाणे ने मंत्र मंत्र पढ़ दे, मंत्र पढ़ के बोला भाई सुन सुन, तेरे में सुनने का दम होता बताऊंगा के चल रहा तेरे घर में। बोला हाँ बता दे क्या बात है। बोला तेरी औरत बदचलन है, लड़का भी तेरा नहीं है, लड़की भी तेरी आवारा है, और भाई ये देख ले अब इनका इलाज करना पड़ेगा, इलाज नहीं होया तो तेरे घर में बड़ा नाश हो जाएगा। यह सुनते वो ताऊ हंसने लग गया, जोर जोर तो हंसया, वो हंसया तो उसने सोची भाई सियाणे ने हो सका सदमा लग गया, बेचारा बावड़ा हो गया दिखा ताऊ। तो बोला हंसा क्यों है? बोला तू सुन सका तो मैं बताऊं। बोला हाँ ठीक है बता दे। वो बोला मैं अपने घर तक माटी लानी भूल गया, सोची भी इतना उल्टा दूर की जाऊंगा, क्यों सियाणे का टाइम खराब कर ले, तेरे घर की माटी ठाके दे दी तेरता ही। बोला तू अपने घर का इलाज करा, ये तो आ रहे सियाणे जिन्हें मंडी फंडी का आता दादा छोटू राम, इन फंडिया बच लोगे ना, फंडिया जितना बच जाओगे उतने फायदे में रहोगे। और ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट क्या आपको बताई सुनवाई की, नज़दीक लग रहे हैं तो अभी तक पकड़िया क्यों नहीं, है ना, सोचने वाली बात है। आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आप सोचते रहोगे, पूरे दिन लाइव चलता रहेगा, ये होया, वकील ने ये बोला, पुलिस वाला ने ये बोला, सिर्फ यही बात है छोटी सी। अब आते हैं अपनी बात के ऊपर, जो आए दिन एक खुलासे हो रहे हैं, एक फोटो और वायरल हो रहा है भाई, आप पहचान लोगे, मेरे को पता है भगवंत मान साहब का फोटो है। फोटो तो मुख्यमंत्री बनने से पहले का है, मुख्यमंत्री बनने से पहले का फोटो है, लेकिन बड़ा ही अजीब लग रहा है इस फोटो को देख के कि किन के साथ है ये फोटो, पहचानते होगे ना आप लोग, बता देना ये भगवंत मान साहब किन के साथ हैं। बताते हैं चुनाव में इन्हीं लोगों ने फंडिंग की थी भगवंत मान साहब की। चलो वो छोड़ो, आपको बताया था ना मैंने कि आए दिन नए नए खुलासे होते हैं, वो खुलासे आपको सुनवाते हैं, और ध्यान से सुन लेना कौन फेंक एनकाउंटर कर रहा है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर जो फेंक एनकाउंटर हो रहे हैं उनका सुनना आप, आपकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, बड़ी जल्दी भूल जाते हो कि आपके साथ क्या हुआ, किसने क्या करवाया। कोई बात नहीं, अपना काम है याद दिलवाते रहना, याद दिलवाते रहेंगे ताकि आप भूल ना सको। पूरा सुनो इसको ध्यान से, पंजाब पुलिस से एक सब इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह ने आखिर अपने महकमे वालों सुरजीत सिंह नाम है इंस्पेक्टर साहब का, सुरजीत सिंह सब इंस्पेक्टर ने क्या है कि
उस वेले दे अमृतसर जिले दे एसएसपी परमजीत सिंह गिल दे कहन ते उसने 83 बेकसूर मुंडिया नू झूठे पुलिस मुकाबले बना के मौत दे घाट उतारे। पूरा मारे ते बेकसूर ने आके मेनू जिथे भी तू मार दे। खुद कह रहे अपने मुंह से, मेनू नहीं पता बेकसूर है कहिंदे का, पर मेनू कहता भी नू आ अच्छा मेरा जवाब मिलना चाहिए। यह खुलासा सुन के किसी के भी लूह कंडे खड़े हो जान। इस इंसान का नाम है सब इंस्पैक्टर सुरजीत सिंह। सुरजीत सिंह मुताबिक उस सन 1993 उस वेले पंजाब पुलिस विच भर्ती होया सी जद पूरा सूबा अतवादी लपेट विच सी। सुरजीत सिंह मुताबिक उसनू थाना मेहता चौंक दे मुखी। अब आप बताओ कितना भरोसा करोगे पुलिस वालों पे, कितना भरोसा करोगे कि पुलिस वाले सच बोल रहे हैं? भरोसा तो आखिर कानून के ऊपर होगा ना, भरोसा तो वकीलों के ऊपर, जजों के ऊपर किया जाएगा। हालांकि वहां से भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी बोल दिया है कि हमारे को आजादी से फैसले नहीं दिए जाते, कुछ नहीं करने दिया जाता, बोला जा रहा है ना। तो फिर अब आप बताओ कि आप भरोसा किसके ऊपर करोगे और कहां करोगे? आखिर में आपको लड़ाई न्याय से लड़नी पड़ेगी। न्याय की लड़ाई नहीं लड़ोगे तो भी आपको पता है, और जो पंथों ने जो बोला इकट्ठा होकर बोला है वो आपको नहीं सुना तो सुन लो। जानते तो होगे श्रोमणी कमेटी कली जां जथेदार साहब कले ने जां दल पंथ सारे ही इक जुट ने। निशान साहब ओ झूलणगे 29 नूं, ओ निशान साहब हर सिख दे घर दे उत्ते लगणे चाहीदे 29 तारीख को। हर एक सिख के घर के ऊपर निशान साहब झूलेगा। जिस निशान साहब को बार-बार बदनाम किया जा रहा है, जिस निशान साहब को बार-बार बदनाम किया जा रहा है, इसलिए कह रहे थे आपको अपनी आंख नाक कान सब कुछ खुले रखो। वहां पे सुनवाई शुरू होगी है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आखिर में कोर्ट को समय देना पड़ेगा कि इस समय के अंदर अंदर आपको पेश करना पड़ेगा। तब भी पेश करेंगे, पेश तो करना पड़ेगा, नहीं तो जाएंगे कहाँ पे, ये बताओ। अब सुन लो जो कोई पीछे से जो कमेंट करता है, और उसकी भी सुन लेना। अपने 52,000 साथी जुड़े हुए हैं अपने चैनल के साथ, उनका भरोसा नहीं तोड़ सकते, भरोसा नहीं तोड़ सकते उनका। आपको हर एक अपडेट समय से पहले बता दी जाएगी। जिस साथी को वीडियो चाहिए आप आराम से कमेंट कर दिया करो कि भाई मेरे को वो वीडियो चाहिए, वीडियो बता दिया रो, वीडियो आपके पास भेज दिया जाएगा, वीडियो भेज दिया जाएगा आपके पास, क्योंकि तकरीबन साथी जुड़े हुए हैं अपने साथ, तो आप वीडियो का नाम बता देना, आपके पास वो वीडियो भेज दिया जाएगा। रही बात गलत कमेंट करने वालों की या किसी की भी, और ये बच्चे जो शैणे, पूछ लो ना भाई इन दो रहे कौन कहाँ जा रहा है, इतना समय खराब हो रहा, फिर ये कोर्ट ये कचहरी किस लिए है? अगर ये शैणे सब कुछ बताते हो तो, सब कुछ बताते हो तो फिर कोर्ट कचहरी किस लिए है? पता नहीं जागरूक कब हो गए। हाँ आपको एक कमाल की चीज में सुनाना, बड़े ही कमाल की चीज कि इनकी अगली चाल क्या होगी, अगली चाल क्या होगी आप सुनोगे ना तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके पैरों नीचे से जमीन निकल जाएगी। एक बहुत पहले मैंने एक बात बोली थी ना कि सरकारी स्कूल बंद होंगे, ये देखिए आप। सुबह के पहले न्यूज शो आज की पहली खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर। आज सुबह की पहली बड़ी खबर आध्यात्म गुरु श्री श्री रविशंकर से जुड़ी है, जिन्होंने एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। कल जयपुर में श्री श्री ने कहा कि सरकारी स्कूल में नक्सलवादी पैदा होते हैं। श्री श्री ने आगे बात को बढ़ा, सरकारी स्कूलों में नक्सलवादी आतंकवादी पैदा होते हैं, कर दिया जाना चाहिए, सरकारी स्कूलों को बंद करो। के बाद बवाल, ये है वो श्याणे जिनको तुम श्याणे समझते हो। नक्सलवाद की फैक्ट्री है सरकारी स्कूल, जिनको तुम श्याणे समझते हो ना, ये है वो श्याणे, इनके जरिए अपना एजेंडा सेट किया जाता है। और अब नंबर फिर दोबारा से आपकी जमीने के ऊपर आने वाला है, ये भी याद रखना। जमीने जाएंगी, बचाने के लिए तो आप खड़े नहीं हो सकते, कभी खड़े नहीं हो पाओगे बचाने के लिए, तो कम से कम जो लड़ रहा होगा उसकी हेल्प तो कर सकते हो, नहीं लड़ रहा लोगों तक वीडियो तो पहुंचा सकते हो कि चल क्या रहा है, ताकि लोग अवेयर रहें, जागरूक रहे। वीडियो शेयर करने के इसलिए बोलते हैं कि वीडियो शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं फिर आपको बकवास सुननी है तो ये देख लो गोदी मीडिया के जो बकवास, ये बकवास चलाई जाती है गोदी मीडिया के अंदर, ऐसे रंग का पेशाब कर दिया, ये कर दिया, ये बकवास देखने आप देखो गोदी मीडिया, कोई दिक्कत नहीं है हमारे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो साथी जुड़िया है लास्ट तक वीडियो सुनता, वीडियो को शेयर किया करो, और जो अपने साथी हैं उनको जोड़ो भाई चैनल के साथ, किसी का भी कोई भी सवाल आपका जवाब दिया जाएगा, बताया जाएगा, जितनी भी जानकारी होगी हर एक जानकारी आप तक पहुँचाई जाएगी। आपको जागरूक करने की कोशिश है हमारी कि आप जागरूक रहो, क्योंकि लोग थोड़ा सा सुनकर पैनिक हो जाते हैं, पैनिक नहीं होना, जागरूक रहना बहुत जरूरी होता है, जागरूक रहोगे तो ही आपकी समझ में आएगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना भाई, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, सच्चाई हम दिखाएंगे, वीडियो शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है। और जिसको ये वीडियो चाहिए पूरा वीडियो मिल जाएगा, आप ले लेना, कमेंट कर देना, आपको वीडियो मिल जाएगा पूरा। नमस्कार भाई दोस्तों।